हाय यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली मेरा रोज़ पूरा खिल चुका है, इन इट्स फुल ब्लूम, इन इट्स फुल ग्लोरी। ये कल का दिन है, तब ये थोड़ा कम खुला था और आज सुबह पूरा खुल गया और इतना सुंदर कलर है, रेड नेचुरल ब्यूटी। और ये ऐसा पूरा हो चुका है, अभी फुल ब्लूम में है, पर मुझे इसको बिल्कुल भी तोड़ने का मन नहीं है। तवगुन को लगी थी भूख तो मेरे पीछे पड़ गई, खाना दो खाना दो। फिर खाना तो वो खा चुकी थी, पर दोपहर में उसको कुछ और खाने का मन था, तो मैंने सोचा घर में ही फ्रेंच फ्राइज़ बना दूँ, वो थोड़े से हेल्दी होते हैं। हेल्दी तो क्या होते हैं, पर ठीक है, घर में बने हैं, प्रेजर्वेटिव नहीं है, फ्रोज़न नहीं है, बस इतना ही है, फ्रेश काट के बना दिए। और उसको हर चीज़ तो देखनी है किचन में आके। प्लस ये जो मेरी कढ़ाई है, ये सबसे पुरानी कढ़ाई है और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ें फ्राई होती हैं। और मेरी थी मीटिंग, तब उनको खाना था फ्रेंच फ्राइज़, तो मैं साथ में दोनों चीज़ें कर रही थी और अपना लंच करने बैठी, तो इतना ऑयल डाला था मेरे कुक ने चावलों में। और उसके बाद तवगुन मेरी कुक से पंगे ले रही है, खाना बना रही। सीमी मेरे लिए क्या बोल रही थी, सीमी उसका नाम सीमी है, उसको सीमी आंटी बोलती है। फिर शाम को, जैसे मैंने आपको बताया गरबा है 28 को, तो 27 और 28 को बच्चों का भी फंक्शन है, तो उसके लिए तवगुन डांस प्रैक्टिस में गई थी। बच्चों का कोई मोगली वाला एक जंगल बुक का एक सॉन्ग है, एक दो और सॉन्ग्स हैं, उन पर प्रैक्टिस हो रही थी। तो टॉडलर्स हैं ये, तो वैसे भी दे आर गोइंग टू बी 3 ईयर्स नाउ, तो इनको तो इतना कुछ, मतलब जितना भी आप सिखा लो ये करेंगे कुछ नहीं, अपनी मर्जी से ही करेंगे। तो बस थोड़ा बहुत ऐसी कॉपी कर रही थी जो भी उसको समझ आ रहा था। फिर मेरा एक बड़ा सा पैकेज आया अमेज़ॉन से, जो मुझे समझ नहीं आया कि इतना बड़ा मैंने क्या मंगा लिया है। जब मैंने उसको ओपन किया तो मुझे पता चला, ये तो मेरा वुडन पैलेट है जिसमें मैं कलर डाल के करूँगी। पर मुझे ये समझ नहीं आया अमेज़ॉन को क्या नीड थी इतने बड़े बॉक्स में इसको पैक करने के लिए, बिकॉज़ ये तो छोटा सा पैलेट था एक, पर अच्छी क्वालिटी का है। मेरी एक फ्रेंड रहती है मैसूर में, तो उन्होंने मुझे मैसूर दशहरा की पूरी वो भेजी लाइटिंग, क्योंकि मैसूर इज़ फेमस फॉर इट्स दशहरा सेलिब्रेशंस, तो उन्होंने भेजा क्या क्या इवेंट्स हुए थे और वहाँ पूरे इवेंट्स शुरू हो गए हैं। तो वहाँ पर एक, अगर आपको ये सिंगर पता होगा, संजीत हेगड़े, जिसने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं और केसरिया रंगू सॉन्ग भी गाया है और सलगा मूवी का मलये मलये सॉन्ग भी गाया है संजीत हेगड़े, ही इज़ वेरी यंग एंड वेरी टैलेंटेड, वो भी आया था वहाँ पे इवेंट करने के लिए और उसने सॉन्ग्स कुछ गाए थे। कॉपीराइट इशू की वजह से मैं वो सॉन्ग्स अभी आपको रिकॉर्डिंग पूरी नहीं सुना सकती हूँ, बट मैंने वो पूरा वीडियो देखा जो मेरे फ्रेंड ने भेजा था, एंड इट इज़ अमेजिंग। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था मैसूर में, फुल लाइटिंग, फुल इवेंट्स हो रहे थे, मैसूर पैलेस पूरा लाइट अप था, जैसे मैंने वीडियो दिखाया आपको। कुछ और भी उन्होंने मुझे लाइटिंग भेजी है, वो मैं आपको आगे शेयर करती हूँ, बट ऑल इन ऑल बहुत अच्छा इवेंट था। और उन्होंने मुझे बाकी लाइटिंग की भी फ़ोटोज़ भेजी जो वो जा रहे थे, तो मैसूर उन्होंने ट्रीज़ को पूरा लाइट्स में कवर कर दिया है, बहुत ब्यूटीफुल एम्बियंस हो रखा है अभी मैसूर में। आई विश मैं जा सकती, बट बिकॉज आई एम रिकवरिंग मैं इतना ट्रैवल नहीं करूँगी, वैसे बैंगलोर से है नहीं ज़्यादा दूर, बट स्टिल आई प्रेफर्ड कि अभी ना जाऊँ, ज़्यादा एक्जर्शन हो गया तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ये भी लाइटिंग उन्होंने मुझे भेजी, बहुत ब्यूटीफुल है, एंड आई रियली विश मैं जा सकती, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी और पूरा ब्लॉग बनाऊँगी। थैंक यू।